अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बच्चे वगैरह मेरे गए हुए हैं अभी जरा मार्केट और कुछ खरीदने के लिए, तो मंथ का स्टार्ट भी है तो सारे सौदे वगैरह जैसे खरीदने होते हैं तो बच्चे वगैरह बोले नहीं गए। मैं यहाँ पे जिम में बैठा हूँ और जैसे ही वो आते हैं तो नीचे चाय की तरफ जाते हैं। आज का दिन जो है वो पूरा तकरीबन जिम में ही गुजरेगा, कल का दिन जो है वो हमारा बाहर होगा। कल मुझे जाना भी है, हॉस्पिटल भी जाना है और उसके साथ साथ दो चार और काम भी है, तो कल हम कराची घूमेंगे। बहरहाल आज बच्चे आ जाएं तो उसके बाद चाय पीते हैं और जिम में कुछ चैलेंज भी करवाते हैं। भाई खाने का टाइम हो गया, बेगम जी क्या बना है? ये आपके लिए पराठे हैं, ठीक है, बाकी सबके लिए आलू, सबके लिए आलू के पराठे बॉयल आलू, और ये फ्राइड आलू और फ्राइड चिकन मेरे लिए, और चटनी वगैरह तो साथ में होगी। क्या चाहिए? तो चाहिए भाई अर्शमान को कोक चाहिए। बिना आप गई थी? नहीं। क्यों गुस्सा आया भाई? वो नाराज हो गया, नाराज हो गया। भाई मीना को अम्मी जान वॉक पे नहीं ले गई तो मीना का मूड खराब है। चलो अभी फिलहाल तो खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मिस्टर चांडिया इस वक्त है मसरूफ एक्सरसाइज करने में। वैसे तो मिस्टर चांडिया साहब हर वक्त हर एक से पूछते रहते हैं आज आपको हम ये चैलेंज देंगे आप कर सकते हैं कि नहीं। आज मैं चैलेंज दूंगी कि वो वन गो में 50 पुशअप्स कर सकते हैं कि नहीं। बताएं चांडिया साहब क्या करिए? 50 पुशअप्स वन गो में। 50 पुशअप वन गो में? यस। टाइम तो नहीं है ना? टाइम नहीं। 50 पुशअप्स वन गो में, कोई मसला नहीं है। आप जज बनाए किसी को? हारून वगैरह बुलाए, जज बुलाए? बिल्कुल, हारून और रफा बैठे हैं। ठीक है, आप उनको जज बनाते हैं। ठीक है, 50 पुशअप्स वन गो में। वन गो में रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप? वैसे आप 1000 पुशअप्स कर चुके हो? 1000 तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन 50 पुशअप मैं बस ये आखिरी सेट लगा रहा हूँ। आप दिखा भी दे मैं क्या सेट लगा रहा हूँ। सही, आखिरी सेट है। आप जब तक लारूम वगैरह लोग ला के नॉट अ बिग डील, हरा देंगे आपको। चलें देखते हैं मिस्टर चांडिया साहब। आपने स्पेगेटी मंगाए वरना अगर मैं जीत गया तो जो आपने अपने लिए स्पेगेटी मंगाया वो मैं खा लूंगा। डन डन, चलें देखते हैं जी। हारून आ गए चांडिया साहब के पुशअप्स को जज करने के लिए। हारून तुमने अहमद के जज करने हैं कि ये 50 पुशअप्स वन गो में कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाए, स्टार्ट। यस, इन्हें का कौन? हारून। हारून जज भी हारून करेगा? जी बिल्कुल। मुझे चाहिए अच्छी तरह, चलो हाथ साफ करना यार, असल में मेरी कोहनी में भी दर्द है। 3 2 1 स्टार्ट। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1 go mein 50, आपने जो अपने लिए स्पेगेटी मंगाया था ना मैं खा लूंगा। जी बिल्कुल, आप मैं भी लगाऊंगा। फीस भी आपकी माफ करते हैं हम। तूने लगाने हैं तो लगा ले, स्पेगेटी खिलाएंगे। 50 तो नहीं लगा सकता, लेकिन 20, 30 कर लूंगा। ओके 30 करके दिखा दे। क्या खाएगा? कुछ भी नहीं, वैसे ही। चलो 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 गया 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 पक गया। 11 गया। 13 14 15 16 17 18 19 20 गया 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 गया। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 भाई वो हेलो हमसे ना आगे निकल जाना। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1 हारून ना वार्म अप था ना, हारून आजकल गेम में, लेकिन उसके बाद भी हारून ने जो है वो 45 वन गो में
अच्छा आपको एक बात बता दें, हारून ने 3 साल पहले क्लासिक फिजिक का एक मैच खेला था, एक टाइटल खेला था, और हारून 6th पोजीशन पे आया था, और ये 3-4 साल से इसने एक्सरसाइज नहीं की। भैया भाई पूरी हमारी फैमिली है सारे भाई एक्सरसाइज वाले। बेगम आप भी तो ट्रेनिंग करवाती हैं यार। बिल्कुल करवाती हूँ। ठीक है भाईजान, अब थोड़ा सा मैं सांस लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। Few moments later. भाई हुज़ैफ़ा भाई जुमे को जा रहे हैं तो 3 दिन है हमारे साथ, तो मैंने सोचा इनसे एक दोबारा ही सवाल कर लेते हैं। हारून भाई भी यहाँ पे बैठे हुए, नींद आ रही है इसको। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था? 1992। हाँ जी 92। ये तो आपने बात कह दी सही। अच्छा पाकिस्तान के साथ फाइनल किसने खेला था? फाइनल इंडिया। आंसर आंसर इंग्लैंड की। सोच ले इतना कॉन्फिडेंट हो रहा है। इंग्लैंड यार कैसे बात कर सकता। साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड पक्की बात है। इंग्लैंड की बात। हारून ने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया इंग्लैंड, और इंग्लैंड बिल्कुल ठीक ही कहा इसने। अच्छा और इसका जो वो था, मुझे क्रिकेट की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। इसका इसका मैन ऑफ द मैच पता है कौन था? वसीम अकरम। तो हो जाए मुकाबला आज का ब्लॉग करते हैं जी यहीं पे खत्म। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।